सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप पे एक स्पीकर लेने की सोच रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लेना चाहिए। तो आपके सामने एक और मैं नया प्रोडक्ट लेके आ गया जिसका कि आपको फुल डिटेल रिव्यू देखने को मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार एडिट हो तो मैंने को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले अपन उसके नाम के साथ शुरुआत कर लेते हैं। हमेशा की तरह से पूरा नाम किया तो उसको साफ शुरुआत कर लेते हैं और पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो उसके नाम की बात कर ले तो बोट सन यहाँ पर 1014 वोल्ट ब्लूटूथ स्पीकर वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब पूरा नाम भी आप लोग रीड कर सकते हो तो यहाँ से इस तरह से नाम देखने को मिल जाएगा। बाकी तो आपको आगे डिटेल वीडियो मिल ही जाएगी। तो अपन अभी लुक के बारे में बात कर लेते तो इस पर सबको देखने को मिलेगा। पर आपको बोर्ड की ब्रांडिंग देखने वोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर से आपको देखने को मिल जनरल जिससे के लिए आप लोग को पिकनिक पे ले जाओ तो आप लोग इससे आप लोग उठा के ले जा सकते हो। और उसके अंदर तो स्पीकर देखने को मिलते 3 इंच के। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी साउंड आने वाली है क्वालिटी तो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाता है। और अपन राइट साइड की बात कर ले तो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, सिंपल ही देखने को मिलेगा जो कि आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेना। यहाँ पर इसने लेफ्ट साइड में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है जो कि आपको बटन देखने को मिल जाएगा जो कि मैं आगे आपको डिटेल में समझा दूंगा। जो कि आपको पर लेदर जैसा फिनिशिंग देखने को मिल रहा है बट प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया जो गया है। जो कि अपन अभी बात कर रहे थे कि इसका प्राइस कितना है तो अपन प्राइस बात कर लेते हैं और कलर कितने मिल जाते हैं। यहाँ पर कलर की बात कर ले तो बैलिस्टिक कलर देखने को मिल जाएगा, ब्लैक देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और आपको ब्लू देखने को मिल जाएगा। और दूसरे कलर की बात कर ले यहाँ पर और ब्लू देखने को मिल जाता, ग्रीन देखने को मिल जाता और ब्लू देखने को मिल जाता जो कि यहाँ पर आप लोग रीड कर सकते हो स्क्रीन पर। और बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। और यहाँ पर प्राइस की भी बात कर ले तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 1999 रुपये में देखने को मिल जाता, जो कि आपको कलर के वजह से भी यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जा सकता है। जैसे कि आपको ब्लू देखने को मिल रहा है जो कि 2999 रुपये में, शायद से उसमें मॉडल भी अलग हो सकता है। तो उसके बारे में आप कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। और उसकी रेटिंग स्टार की बात कर ले तो 4.2 की रेटिंग स्टार देखने को मिल जाती जो कि ऑलमोस्ट 40-45 हज़ार ने रेटिंग स्टार दी गई जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी डिटेल रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर बटन की फंक्शन की बात कर ले तो ऊपर साइड आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑन बढ़ाने के लिए बटन देखने को मिल जाएगा, नीचे साइड मोड बदलने के लिए, और सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम प्लस करने का, कम करने का। और यहाँ पर पावर बटन देखने को मिल जाएगा जो कि लॉन्ग प्रेस करने से आपको स्पीकर ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ये फंक्शन। अभी अपन ज़्यादा डिटेल की बात कर लेते हैं जैसे कि बैटरी, यहाँ पर बैटरी की बात कर ले तो 3000 mAh की बैटरी दी गई जो कि आपको ऑलमोस्ट 12 घंटे के ऊपर चल सकती है जो कि यहाँ पर चल जाएगी। और चार्जिंग टाइम उसमें फास्ट नहीं दिया गया जो कि स्लो ही चार्ज दिया गया जो कि आपको ऑलमोस्ट 4-5 घंटे चार्जिंग में लग जाएगा तो आप लोग चला सकते हो इस तरह से। और उसके अंदर आपको एक डेटा केबल देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर उससे आप लोग चार्ज कर सकते हो जो कि USB है यहाँ पर देखने को मिलती है जिससे कि लोग चार्ज कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है जो कि आप लोग अपने मोबाइल में लगा के इस स्पीकर डायरेक्ट कनेक्ट करके यहाँ पर चला सकते हो। तो उसके अंदर केबल देखने को मिल जाती है और नीचे साइड को जिस प्रकार से ढक्कन देखने को मिल जाता है जिससे कि आप लोग चार्जर लगा सकते हो। यहाँ पर ऑक्स केबल लगा के आप लोग चला सकते हो। यहाँ पर देखने को मिल जाता है ढक्कन जो एक आपको यहाँ पर माइक देखने को मिल जाता है जो कि गाने सुनते सुनते कॉल आए तो अभी इससे ही डायरेक्ट बात कर सकते हो, डिसकनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे ही बात कर सकते हो। उसके अंदर सुविधा की बात कर ले तो आपको यहाँ पर 14 वोल्ट का आपको देखने को मिल जाएगा स्पीकर, और IPX5 भी देखने को मिल जाता है जो कि वाटर प्रूफ भी और बैटरी बैकअप तो मैंने बता दिया। ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है जो कि उसकी लेंथ कैपेसिटी 10 मीटर के अंदर आप लोग चला सकते हो जो कि बड़ी इजीली चला सकते हो। IOXO की आपको समझ में आ गया, अगर सब कुछ और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लेना, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ये कोई इन्फोसर वीडियो नहीं है जो IOXO की, आपको यहाँ पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में अजय तमें धमाकेदार वीडियो के साथ, नए कोई से नए टॉपिक के साथ। और आप लोग कौन से नए टॉपिक पे देखना चाहते हो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तो जब तक लीजिए।